गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग, जो भी जिस हिसाब से लेक्चर देख रहा है उस हिसाब से इसे ले लें। नाउ आज हम शुरू करने वाले हैं लेक्चर 12th क्लास का लेक्चर नंबर 1, या मैं इसे कहूँगा इंट्रोडक्शन लेक्चर नंबर। यानी आज हम जानेंगे कि 12th क्लास के अंदर आपके क्या क्या टॉपिक्स है, आपको किस तरीके से पढ़ाई करनी है और आपकी स्ट्रेटेजीज क्या रहेगी, मैं किस तरीके से वीडियो अपलोड करूँगा और भी बहुत कुछ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। नाउ सबसे पहले जब हम बात करते हैं कि 12th क्लास में आपका सिलेबस क्या क्या है, तो 12th क्लास में सिलेबस में मैं इसे तीन पार्ट में डिवाइड करता हूँ। फर्स्ट पार्ट जो कहलाता है वो मैं बोलता हूँ पार्टनरशिप, अभी आप केवल लिखते जाइए, मैं आपको बताऊंगा इनका मतलब क्या होता है। दूसरा पार्ट मैं मानता हूँ कंपनी, और थर्ड नंबर पे मैं मानता हूँ अदर्स। अब कईयों को डाउट आएगा कि सर ये पार्टनरशिप क्या होती है, ये कंपनी क्या होती है और अदर्स में कौन कौन से टॉपिक हैं। नाउ सबसे पहले इनको शुरू करने से पहले आपका 11th क्लास का एक बेसिक कॉन्सेप्ट मैं लेना चाहूँगा, जो ये कहता था कि ये बिजनेस होता है और ये एक पर्सन होता है जो इस बिजनेस का संचालन करता है, या ये ओनर होता है जो इस बिजनेस का मालिक होता है। नाउ यहाँ पे ये एक अकेला पर्सन इस बिजनेस को संभालता है और इसे रन करता है और जो प्रॉफिट होता है वो अपने घर लेके जाता है। नाउ अब इस जो ओनर है इसको ये जरूरत महसूस हुई कि मुझे अपने बिजनेस को बढ़ाना है, मुझे यहाँ पे कई सारे बिजनेस को बढ़ाना है, यानी कि मुझे दो तीन ब्रांचेज मुझे ओपन करनी है। लेकिन अब इसके पास दो ऑप्शन है कि या तो ये एज ए एम्प्लॉय किसी को नौकरी पे रखे, या फिर ये अपने फैमिली मेंबर्स में से रखे, या फिर अपने जान पहचान के किसी ऐसे पर्सन को जिसपे इसका विश्वास हो उसे अपने बिजनेस में एक साझेदार एक पार्टनर नियुक्त करे। यानी अब यहाँ पे वो ये कहेगा कि तू मेरे साथ काम करेगा और जो भी प्रॉफिट होगा हम उसे बांट लेंगे, चाहे बराबर बराबर चाहे एक रेशियो में हम उसे बांट लेंगे। तो यहाँ पे जन्म हुआ पार्टनरशिप का, जब दो या दो से ज्यादा लोग मिलकर के क्या करते हैं, बिजनेस करते हैं, और वो बिजनेस किस लिए करते हैं, प्रॉफिट को बांटने के लिए, ठीक है, और वो आपस में प्रॉफिट को बांटते हैं, और वो प्रॉफिट को जो बांटते हैं वो प्री डिटरमाइंड रहता है, यानी कि पहले से निर्धारित रहता है कि हमें किस आधार पर प्रॉफिट को बांटना है। तो ये तो होगी पार्टनरशिप की बात। नाउ कंपनी के अंतर क्या होता है, कंपनी पार्टनरशिप से थोड़ा सा डिफरेंस है। पार्टनरशिप और कंपनी में वैसे काफी सारे डिफरेंस आते हैं, 10-15 डिफरेंस, बट यहाँ पे मेनली डिफरेंस है कि जब आप पार्टनरशिप बनाते हो तो इसमें मैक्सिमम लिमिट दी गई है कि आप 20 मेंबर्स ही हो सकते हो, जबकि कंपनी में आप अनलिमिटेड मेंबर्स हो सकते हो, यानी कि कितने भी आप चाहो जितने। और यहाँ पे आप अब सर कंपनी क्यों बनी जाती है कि जब आपको लार्ज स्केल पे बिजनेस करना हो, जैसे कि मान लीजिए आपको अरबों खरबों रुपए का बिजनेस करना है, तो ऐसे में आपके पास इतनी कैपिटल नहीं होती है किसी एक अकेले पर्सन के पास, तो ऐसे में वो कंपनी बनाता है और कई सारे लोगों से पैसा उठाने का काम करता है। तो यहाँ पे कंपनी की जरूरत इस तरीके से महसूस हुई। अब अदर्स में कुछ कुछ टॉपिक है जो अभी हम डिस्कस करेंगे। अब आते हैं टॉपिक कि इनमें कितने चैप्टर्स हैं। तो सबसे पहले मैं नाम लिखूंगा यहाँ पे पार्टनरशिप का। पार्टनरशिप में मैंने चार बार पार्ट में ये डिवाइडेड है पार्टनरशिप आपकी। फर्स्ट पार्ट जिसे आप बोलते हो वो है पार्टनरशिप का जनरल इंट्रोडक्शन। सेकंड में जो पार्टनरशिप है उसमें है न्यू एडमिशन, यानी देखिए ये सब हम अकाउंटिंग प्रोस्पेक्टिव से पढ़ रहे हैं, यानी कि अकाउंटिंग में कैसे होगा, यानी सबसे पहले पार्टनरशिप की अकाउंटिंग कैसे होती है उसका जस्ट इंट्रोडक्शन दिया गया है, कैसे क्या अकाउंट नए बनते हैं, कौन कौन से अकाउंट बंद नहीं बनाए जाते हैं, तो वगैरह वगैरह। न्यू एडमिशन का मतलब हो गया कि मान लीजिए पहले दो पार्टनर थे, अब वहाँ पे एक और पार्टनर उनको ऐड करना है, तो उस समय जब उसको ऐड किया जाएगा तो कौन कौन से अकाउंटिंग जो है की जाएगी। उसके अलावा थर्ड नंबर पे होता है डेथ या रिटायरमेंट, यानी कि जब एक पार्टनर रिटायर हो जाता है, वो चला जाता है, शॉर्ट के चला जाता है, या किसी पार्टनर की आकस्मिक डेथ हो जाती है, तो ऐसे में क्या क्या अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट लगेंगे वो होता है। और उसके बाद लास्ट में आता है डिसोल्यूशन। डिसोल्यूशन का मतलब होता है कि पार्टनरशिप का समापन, अब पार्टनरशिप को बंद कर दिया गया, उनके बीच लड़ाई हो गई, या उन्होंने ही स्वतः ही सोचा कि अब बस बहुत हो गया बिजनेस, अब आराम से बैठ के घर खाएंगे, या तुम तुम्हारा मैं मेरा, जो भी हो, तो उस तरीके से डिसोल्यूशन यानी कि पूरी पार्टनरशिप को ही बंद कर देना। यहाँ पे केवल एक पार्टनर रिटायर हो रहा था, यहाँ पूरी पार्टनरशिप को ही डिसोल्व कर दिया गया, ये यहाँ पे मेन डिफरेंस है, इसे हमेशा याद रखना जब भी मैं आपको आगे पढ़ाऊँ। नाउ सेकेंड जो मैंने आपको बताया था वो था कंपनी।
कंपनी को मैं तीन पार्ट में डिवाइड करता हूँ। सबसे पहले आता है इक्विटी शेयर। अभी आपको नहीं समझ में आएगा इक्विटी शेयर क्या होते हैं, ये क्या पढ़ा रहे हो, लेकिन यहाँ पे आपको बस इतना याद रखना है कि इक्विटी शेयर के रिलेशन में हमें अकाउंटिंग सीखनी है। दूसरा डिबेंचर, और थर्ड नंबर पर है फाइनेंशियल स्टेटमेंट। आपने जो बैलेंस शीट या P&L जो है वो इन जो एकाकी जो बिजनेस थे यानी कि जो इंडिविजुअल बिजनेस करते थे उनके लिए आपने बनाना सीखा था ना। अब ये बैलेंस शीट और ये P&L आपको कंपनी के लिए बनाने हैं। अब जहाँ पे आपने उसमें बनाए थे और यहाँ पे जो आप बनाओगे उनमें क्या डिफरेंस है ये हमें देखना है, और इन्हें बनाने में आपको किस तरीके से प्रॉब्लम सॉल्व करनी है वो सब हमें देखना है। तो ये हो गया। उसके बाद जो अदर टॉपिक है उसमें तीन टॉपिक मेनली आते हैं, उसके अलावा थ्योरी टॉपिक्स है जो मैं एक या दो क्लासेज में खत्म करूँगा। तीन टॉपिक जो है वो मेनली कौन कौन से हैं, सबसे पहले है NGO। NGO आप सबने नाम सुना होगा, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। ये क्या होते हैं, जिसका प्रॉफिट के लिए उद्देश्य नहीं है, क्योंकि अभी तक आपने जितने भी बनाए थे वो बनाए थे प्रॉफिट एंड लॉस। अब जब इनका प्रॉफिट का ही उद्देश्य नहीं है तो यहाँ प्रॉफिट एंड लॉस नहीं बनेगा, तो ऐसे में वो खर्चे कहाँ जाते हैं, किस तरीके से इनकी अकाउंटिंग होती है, ये सब हमें यहाँ सीखना है। सेकेंड नंबर पे रेशियो एनालिसिस, ये काफ़ी छोटा टॉपिक है और काफ़ी ईजी टॉपिक है। आपको केवल कुछ फॉर्मूले याद करने हैं और उनका फिर रेशियो निकालना है, ठीक है, अनुपात। इसके अलावा निकालना है कैश फ्लो स्टेटमेंट, ठीक है। ये भी क्या होता है ये हम उसी चैप्टर में पढ़ेंगे, अभी आप जो है ज़्यादा लोड मत लीजिएगा नाउ। अब जब हमें ये पता चल गया है कि हमारे कितने चैप्टर्स हैं, तो हमने देखा था चार चैप्टर पार्टनरशिप के, तीन चैप्टर कंपनी के, और तीन चैप्टर ये, और लगभग दो चैप्टर जो है हमारे थ्योरी टॉपिक्स हैं नाउ। ये पार्टनरशिप हो गया, ये कंपनी हो गया, ये अदर्स हो गया, और ये थ्योरी टॉपिक हो गया। तो इस तरीके से हमारे पास 4, 3, 7, 3, 10, 2, 12 टॉपिक है, ठीक है। तो यहाँ पे ये हमारा पूरा कंप्लीट सिलेबस हो जाता है। इसके अलावा अगर किसी स्टेट बोर्ड के कोई एडिशनल टॉपिक है मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, मैं उनको भी कवर करने की कोशिश करूँगा अपने इन लेक्चर्स में नाउ। हमारे लेक्चर्स की संख्या कितनी हो सकती है, तो अगर देखिए ये डिपेंड करता है आपके क्वेश्चंस पे कि मैं कितने क्वेश्चंस करवाता हूँ और कितने हैं। इस बार मैंने सुना है MCQs भी आते हैं, तो ये MCQs भी जो है मैं कवर करूँगा, कुछ एक टॉपिक्स के, कुछ एक चैप्टर्स के, तो वो अलग से कवर किए जाएंगे। तो इसीलिए आपको बेफिक्र होकर के पूरी क्लासेस लेनी है, और मैं ये मानता हूँ कि अगर आप पूरी क्लासेस लेते हैं तो आपको किसी भी प्राइवेट इंस्टीट्यूट से क्लासेस लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जितना हो सके मैं कोशिश करूँगा आपको समझाने की, फिर भी अगर आप लेना चाहो कहीं फेस टू फेस तो आप ले सकते हो, क्योंकि जो फेस टू फेस है उसमें हो सकता है आपको ज़्यादा समझ में आए, या तो आप वहाँ पे वो क्लासेस ले सकते हो। तो इसके अलावा क्लासेस की संख्या लगभग 50 के आसपास रहेगी, है ना, ये ज़्यादा कम हो सकती है, 50 के आसपास रहेगी। इनमें मैं आपका पूरा सिलेबस कवर करने की कोशिश करूँगा। सैटरडे संडे में ऑफ रखूँगा, इसके अलावा अगर कभी मैं बीमार हो गया तो उस दिन ऑफ रहेगा। बाकी अदरवाइज अगर आप देखेंगे तो ये लगभग 3 महीने में आपका कोर्स जो है कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो है आज के लिए बस इतना ही है, और मैं यही उम्मीद करूँगा आप पूरा लेक्चर देखेंगे। थैंक यू वेरी मच।